सबसे अलग और सबसे जुदा जिसका था अंदाज, भारत के बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक जो जिंदा दिली से खेलता था अपना खेल। अंपायर का फैसला नहीं मानने पर हो गए थे सस्पेंड। मैच फिक्सिंग में आया था नाम, फिर किया गया बैन। दोस्तों, कुछ इंसान जिंदा दिल होते हैं, जब भी आपको दिखेंगे उनके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। ऐसे लोग सबको पसंद आते हैं। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक हमेशा उदास चेहरा लिए बैठा रहता है और दूसरा हमेशा चहकता हुआ मिलेगा। पहला वाला बातें भी वैसी ही करेगा, अपने दुख बताएगा, सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ही बताइए कि ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा, किसको फुर्सत है यहाँ लोगों के दुख सुनने का। इसलिए इंसान को कभी भी अपने दुख नहीं बताने चाहिए, अगर बांटना ही है तो खुशी बांटनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज के अंक में बात होगी भारत के एक जिंदा दिल खिलाड़ी के बारे में, जिसने क्रिकेट को जिया, अपने शर्तों पर जिया। इस खिलाड़ी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन खिलाड़ी हर परिस्थिति में एक समान रहा। यही इस खिलाड़ी को सबसे अलग और सबसे खास बनाता है। आज के अंक में हम आपको टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया के जीवन और क्रिकेट करियर के कुछ जानी अनजानी और अनकही बातों को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर किस वजह से इतने जिंदा दिल खिलाड़ी का करियर समय से पहले समाप्त हो गया। दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाले नयन मोंगिया का जन्म 19 दिसंबर 1969 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। वो नेचुरल विकेटकीपर के रूप में जाने जाते हैं। स्कूल लेवल पर खेलते हुए नयन मोंगिया का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं था, लेकिन साल 1987-88 में इन्होंने मात्र 5 मैच खेलते हुए 305 रन बनाए थे और विकेट के पीछे इन्होंने 17 शिकार भी किया था। उस साल कूच बिहार ट्रॉफी में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसके बाद उनका रणजी में खेलने का रास्ता साफ हो गया। साल 1989-90 सीजन में सौराष्ट्र के खिलाफ नयन मोंगिया ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मैच खेला था, जहां उन्होंने एक कैच लेने के अलावा 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बनाए थे। और किस्मत देखिए, उस समय बड़ौदा टीम से विकेट कीपर के रूप में किरण मोरे खेलते थे। अब रणजी टीम में किरण मोरे नहीं होते तो इस दौरान नयन मोंगिया को पूरा मौका मिलता था। इस दौरान रणजी में खेलते हुए मोंगिया ने 6 मैचों में 315 रन बनाए और विकेट के पीछे 15 शिकार किया। इसके बाद ही मोंगिया को इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां उनकी विकेट कीपिंग देखकर इंग्लैंड के विकेट कीपर एलन नॉट ने इन्हें नेचुरल विकेट कीपर कहा था। फिर आया 1990 का दौर, जब क्रिकेट भी बदल रहा था। ऐसे में विकेट कीपर के सामने एक चुनौती यह भी थी कि जितना मेहनत उन्हें विकेट के पीछे करना है, उतना ही उन्हें विकेट के आगे भी करना होगा। अब तक नयन मोंगिया विकेट के पीछे तो अपना शानदार दे ही रहे थे, लेकिन अब उनकी बल्लेबाजी देखनी बाकी थी। 1993-94 रणजी ट्रॉफी सीजन में नयन मोंगिया का बल्ला गरजा। उन्होंने 5 मैचों में 555 रन बना दिए और यह दिखा दिया कि वे विकेट के पीछे जितने तेज हैं, उतने ही विकेट के आगे भी रहकर रन बना सकते हैं। मोंगिया की बल्लेबाजी रंग लाई। इस समय तक किरण मोरे ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और अब नयन मोंगिया के लिए भारतीय टीम में एंट्री के दरवाजे खुलने ही वाले थे। साल 1994 के जनवरी महीने में भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में नयन मोंगिया ने अपने टेस्ट करियर का डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट में मोंगिया ने 44 रन बनाए थे और विकेट के पीछे इन्होंने 5 शिकार भी किया था। टेस्ट डेब्यू के करीब एक महीने के बाद उन्होंने 15 फरवरी 1994 को राजकोट में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच करियर का डेब्यू किया। इसी साल वेस्टइंडीज की टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने भारत आई थी, जिसमें पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में नयन मोंगिया ने 80 रनों की पारी खेली थी। पूरे सीरीज में मोंगिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन खराब भी नहीं रहा। पूरे सीरीज में उन्होंने 183 रन बनाए और यह बताया कि वह भारतीय टीम में आगे इसी तरह से रन बना सकते हैं और विकेट के पीछे बल्लेबाजों का कैच भी पकड़ सकते हैं। इस समय तक नयन मोंगिया नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करने आते थे, ऐसे में उनके पास रन बनाने के लिए बहुत मौके नहीं होते थे। लेकिन फिर आया साल 1996। इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आई थी और टेस्ट मैच खेलने आई थी। ऐसी स्थिति बनी कि मोंगिया को भारतीय टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होना था, जिसमें भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरी थी और ऐसे में मोंगिया को सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा गया। मोंगिया ने अवसर को दोनों हाथों से लिया और कमाल की बल्लेबाजी की और अपने करियर का पहला शतक ठोक दिया। इस पारी में उन्होंने 152 रन बनाए थे। मोंगिया अपने इस पारी को टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट पारी मानते हैं। भारत यह मैच जीता और मोंगिया मैन ऑफ द मैच बने थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए शतक लगाकर मोंगिया छा गए और अब मोंगिया को भारतीय टीम में एक पहचान मिलने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद उसी साल भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी। अफ्रीका में खेले गए इस सीरीज में मोंगिया के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ था।
साल 1996 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए मैच में मोंगिया ने 8 कैच लपके थे। साथ ही साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में एक बार फिर मोंगिया ने 8 कैच लिए। रोचक बात यह रही कि दोनों दफा दुर्भाग्यवश भारत को हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता मैच के बाद अगला टेस्ट चेन्नई में हुआ था, जहां पर कुंबले ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की थी और 10 के 10 विकेट अपने नाम किए थे। अनिल कुंबले के 10 विकेट लेने की कहानी मोंगिया से ही शुरू हुई थी, जहां विकेटों के पीछे मोंगिया ने ही कैच लपका था, जो कुंबले के 10 विकेटों में पहला विकेट था। इसके बाद साल 1994 में भारत में एक त्रिकोणीय सीरीज हुई, जिसमें भारत, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी। इसमें हर टीम को दूसरी टीम से दो दो बार आपस में भिड़ना था। भारत ने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज को एक एक बार हरा दिया था, लेकिन दूसरे मैच में कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए थे। दरअसल टॉस के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए थे। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज के रूप में तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर आए थे। तेंदुलकर 34 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद समय समय पर विकेट का पतन होता रहा। आखिरी स्थिति यह थी कि भारत को जीत के लिए 54 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। यह कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, इसे जीता जा सकता था। वहां मैदान में प्रभाकर और मोंगिया थे। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि प्रभाकर शुरुआती ओवर से ही अभी तक मैदान में थे, तो सबको उम्मीद थी कि भारत यह मुकाबला जीत ही जाएगी। लेकिन भारत की टीम ने आखिरी के 9 ओवर में मात्र 16 रन बनाए। इस दौरान प्रभाकर का शतक भी पूरा हुआ। ये दोनों खिलाड़ी नाबाद पवेलियन चले गए और यह मैच भारत 46 रनों से हार गया। इस मैच में मोंगिया ने 14 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए थे। इस जीते हुए मैच में हार मिलने के बाद भारतीय फैंस के साथ बोर्ड भी काफी नाराज हुआ और प्रभाकर और मोंगिया को इस सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, मैच रेफरी ने भारत के 2 पॉइंट भी काट लिए। यह भी कहा गया कि भारत यह मुकाबला जानबूझकर हारा है। परिणाम स्वरूप इस सीरीज के फाइनल में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची, लेकिन इधर भारत ने इस पूरे मामले पर ICC का दरवाजा खटखटाया। तमाम विवाद के बाद इस सीरीज का फाइनल भारत और वेस्टइंडीज के साथ खेला गया और फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को 72 रनों से हरा दिया। बाद में उस मैच को लेकर जांच किया गया, जिसमें यह पाया गया कि अजहर, प्रभाकर और मोंगिया के बीच में यह मैच फिक्स हुआ था, जिसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बैन लगा दिया। एक मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर उंगली उठाने के चलते भी नयन मोंगिया को भारतीय टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। पूर्व BCCI अध्यक्ष जयवंत लेले ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को यह पूरा विश्वास था कि मोंगिया इस मैच फिक्सिंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। मोंगिया पर कुछ दिनों के बाद लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए और मोंगिया एक बार फिर से घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा दिखाने लगे। इस दौरान मोंगिया बेहतर खेल रहे थे। तभी आया साल 2004, जिसमें युवाओं को टीम में शामिल करने के नाम पर बड़ौदा की टीम ने मोंगिया की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान तक चयनकर्ता इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। अब मोंगिया को लगने लगा कि टीम में अब उनकी वापसी संभव नहीं है और मोंगिया ने तब संन्यास का फैसला कर लिया। दिसंबर 2004 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। नयन मोंगिया के क्रिकेट करियर को देखें तो 44 टेस्ट मैचों में उन्होंने 1,442 रन बनाए हैं, जिसमें 152 उनका बेस्ट रहा है। टेस्ट फॉर्मेट में उनके नाम 1 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। नयन मोंगिया के वनडे करियर पर नजर डालें दोस्तों, तो 140 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 1,272 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 69 का रहा है। वनडे में उन्होंने केवल 2 अर्धशतक लगाए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने कुल 183 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 353 कैच पकड़े और 43 स्टंप किया और 7,000 से भी ज़्यादा रन बनाए। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहा जाता है कि नयन मोंगिया के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमने पहले ही देखा है कि मोंगिया की बैटिंग निचले क्रम में आती थी, ऐसे में उन्हें बहुत बैटिंग करने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की तो उस समय के अखबारों में इस बात का जिक्र किया गया कि मोंगिया को एक मौका और दिया जाना चाहिए था, वह भी ऊपर में बल्लेबाजी करते हुए। मोंगिया का करियर खत्म होने में मैच फिक्सिंग का दाग, टीम में अंदर बाहर होना या फिर मैदान में उनका प्रदर्शन क्या रहा यह कहना मुश्किल है, लेकिन आज भी वे क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआती समय में मोंगिया ने थाईलैंड टीम के कोच के रूप में भी काम किया था, लेकिन बाद में वे अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। नयन मोंगिया इन दिनों एक न्यूज चैनल के साथ जुड़कर क्रिकेट विश्लेषक के रूप में काम कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नयन मोंगिया को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। नयन मोंगिया के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम तनु मोंगिया है।
नयन मोंगिया के बेटे का नाम मोहित मोंगिया है। चकदे क्रिकेट की पूरी टीम नयन मोंगिया के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैच फिक्सिंग एलिगेशन के चलते नयन मोंगिया का करियर समय से पहले खत्म हो गया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए फॉलो करें चकदे क्रिकेट। धन्यवाद।